समान काम का समान वेतन लोगों को दिया जाए। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा जो लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और इसमें एनएचएम जो है हर सीएससी से आए हुए एनएचएम है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो ये भीड़ है भीषण गर्मी में, इस तरह से जो इनका कुलबुलाहट है वो सरकार के प्रति आक्रोश है वह व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस आक्रोश का कहीं ना कोई प्रभाव सरकार तक अब तक नहीं पड़ा है। हम इन तमाम विषयों पर बात करेंगे कि लगातार जो है अटेंडेंस सिस्टम को लेकर, समान काम समान वेतन को लेकर, और कई मुद्दे हैं जिस पर यह लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित कुमार मिश्रा नाम हुआ, सहायक महामंत्री बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ करपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति के समक्ष आज धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। हमारा मुख्य मांग यही है समान काम का समान वेतन दिया जाए, एफआरएस सिस्टम जो लागू किया गया इसको रद्द किया जाए, 4 माह का जो बकाया मानदेय वेतन है उसको अविलंब दिया जाए, सही 7 सूत्री मांगों को लेकर कई धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। अच्छा, सरकार जो है निरंतर अभी लगातार आप निरंतर 6 जुलाई से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अब तक कुछ बात सुनी है? सरकार अभी तक नहीं सुनी, सरकार को सुनाने के लिए ही सरकार के घर में गर्दनी बाग में हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार द्वारा चंडी स्थल है, धरना स्थल है, गर्दनी बाग हम लोग बैठे हुए हैं। अगर सरकार अगर हमारी बात अगर नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो आने वाले दिन में हम चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही स्वास्थ्य प्रशासन की होगी। अच्छा, विधानसभा भी सत्र जो है शुरू होने वाला है मानसून सत्र, वहाँ भी हमारी बात उठेगी, सड़क पर हम लड़ेंगे, हमारे कुछ लोग अंदर भी आवाज़ उठाएंगे। अगर हम एफआरएस सिस्टम और समान काम का समान वेतन और 4 माह का जो बकाया मानदेय है अगर वो नहीं दिया जाता है, तो आने वाले दिन में बृहद आंदोलन हम करने के लिए बाध होंगे, हड़ताल जैसे भी कार्रवाई हम करने के लिए बाध हो सकते हैं, जिसकी सारी जो दही बिहार सरकार स्वास्थ्य प्रशासन की। अब तक स्वास्थ्य विभाग के कोई ऐसे मंत्रिमंडल से या फिर कोई विभाग के पदाधिकारी से बातचीत नहीं हुई? किसी तरह का कोई बुलावा अभी तक नहीं आया है, अगर आता है, अगर उनके दो सकारात्मक बात की जाएगी तो हम आंदोलन अपना समाप्त कर लेंगे, अगर नहीं बुलावा आएगी, अगर बात नहीं की जाएगी, तो आंदोलन हमारा अनवरत चलते रहेगा, चरणबद्ध आंदोलन होते रहेगा। आज ये कितने के संख्या में जो है? हजारों के संख्या में कर्मचारी, आप देख रहे हैं यहाँ पूरा ये थाना तक भरा हुआ है, सड़क के दोनों साइड भरा हुआ, जगह नहीं है, गाड़ी सब बंद हो गया है, उसके बावजूद भी करपालक निदेशक का नींद सभी नहीं जग रहे हैं, ये शर्म की बात है। ये अविवेकपूर्ण आदेश जो निकाले हैं वो एफआरएस सिस्टम लागू करने की बात, इसका हम निंदा करते हैं, इसका अनुरोध करते हैं कि अविलंब इसको रद्द करें। एनआरएचएम का जो आवंटन केंद्र सरकार द्वारा जो अभी तक नहीं दिया गया है, मैं उसका भी मांग करता हूं कि आवंटन केंद्र सरकार अविलंब दे, ताकि एनएचएम के कर्मचारियों का आवंटन मिले और उनका वेतन मानदेय का भुगतान हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिन में बृहद आंदोलन हम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न विभागों में, जैसे मुख्य चिकित्सा विभाग, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें सभी सीएचओ और स्टाफ नर्स ग्रेड ए एवं महिला साथी जो भी एनएम है, जो कार्यपालक निदेशक महोदय से एक हमारा यही निवेदन है कि जो एफआरएस सिस्टम लागू किया गया है, इस सिस्टम को अविलंब वापस लिया जाए एवं समान कार्य और समान वेतन सभी कर्मचारियों को दिया जाए जो संविदा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। कुछ महिला यहाँ पे कर्मी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यह भीषण गर्मी है मैम, और इस गर्मी में जो है आप लोग संघर्ष कर रही हैं, पसीना बह रहा है लेकिन संघर्ष जारी है, क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस रवैया? सरकार की इस रवैया को हम लोग चेतावनी देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि अगर हमारे मांगों को, हमारे एनएचएम कर्मी के मांगों को अगर सरकार नहीं सुनती है, तो हम लोग इससे भी कड़ा विरोध करने के लिए तैयार हैं। सरकार जो है एफआरएस के तहत जो कानून वो किया है कि फेस लॉगिन किया जाए, और महिलाएं जो हैं सुदृढ़ इलाका में जाती हैं, और सीएचओ हैं, जीएनएम हैं, सभी हैं, जितने भी एनएचएम कर्मी है, ये सब ऐसे इलाका में रहते हैं जहां पर नेटवर्क काम नहीं करता है, तो बताइए वैसी परिस्थिति में इन लोग फेस लॉगिन कहां कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सरकार के द्वारा जो ये आया है इसमें इन लोग को एब्सेंट कर दिया जाएगा, एब्सेंट कर दिया जाएगा तो इनका वेतन काट लिया जाएगा, तो ये कहां का कानून कहता है? सही बात है, ये किस तरह की रणनीति जो है सुदूरवर्ती इलाका में यह महिला लोग जो है अपने पोस्ट पे काम करती हैं, अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ काम का निर्वहन करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या कहना, क्या रवैया दर्शाता है सरकार? क्या लगता है कि आप लोग का जो मांग है वो पूरा होगा? देखिए, मांग तो पूरा होगा, इसलिए पूरा होगा, नहीं पूरा होने का सवाल ही नहीं है, कहे कि हमारी मांग जायज है। एनएचएम
एम कर्मी की मांग जायज है, समान काम का समान वेतन, माने सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो भी हो समान काम का समान वेतन लोगों को दिया जाए, पर इन्हें 15,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना सुदूर इलाके के लिए दिया जाता है। सीएचओ को आपका कितना समय जो है या सेवा में बीत चुका? हमारा सेवा तो हम लोग जो है रेगुलर कर्मी है सो 33 साल हो गया है। 33 साल, देखिए ये अनुभव बता रहा है आपको, यह अनुभव है और अनुभव स्वास्थ्य कर्मी का है जो सुदूरवर्ती इलाका में जाती है अपना लोगों को जो है जन सुरक्षा जन स्वास्थ्य समिति के द्वारा अपने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको सेवा मुहैया करवाती हैं। लेकिन यह सब सेवा देने के बाद जो है आज गर्दनीबाग के धरना स्थल पर सरकार को कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर रखने आई हैं, सरकार को अपना संज्ञान देने आई है कि सरकार कुछ ना कुछ संज्ञान ले ताकि हमारी बातों पर कुछ विमर्श किया जाए। एनसीडी काउंसलर हैं और आज 12 बरस से कार्यरत है लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं, न गृह जिला ट्रांसफर, न अस्थाई वेतन, 5% सालाना, वो भी काफ़ी हिल हुज्जत करने के बाद 5% सरकार बढ़ाती है और सैकड़ों किलोमीटर दूर से हम लोग कार्य करते हैं उसके बावजूद भी समय पर वेतन नहीं, कोई आवास नहीं, कोई सुविधा नहीं, लेकिन इनका काम हम 8 से 10 घंटा करते हैं लगातार। इसलिए सरकार से हमारा मांग है कि FRS जो है सो वो दूर किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, पद के अनुरूप वेतन दिया जाए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।